एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है, राहुल गांधी से मिल सकते हैं हरीश रावत, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी, 11 बजे हो सकती है मुलाकात। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, पंजाब कांग्रेस प्रभारी हैं हरीश रावत, जो राहुल गांधी से मिल सकते हैं, राहुल गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। न्यूज 18 के अरुण सिंह की यह खबर है, खबर के मुताबिक राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं हरीश रावत। पंजाब कांग्रेस में जिस तरीके से लगातार घमासान चल रहा है, एक तरफ सिद्धू ईंट से ईंट खड़काने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर मुझे निर्णय लेने में छूट नहीं दी गई तो मैं ईंट से ईंट खड़का दूंगा, तो वहीं दूसरी तरफ कैप्टन की तरफ से भी लगातार कोशिशें जारी हैं। लेकिन जो बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी से हरीश रावत कर सकते हैं मुलाकात, राहुल गांधी से मिल सकते हैं हरीश रावत, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हैं और यह मुलाकात 11 बजे हो सकती है, यानी अब से थोड़ी देर बाद 11 बजे राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के दौरान क्या रह सकता है ये देखना होगा, लेकिन इस सबके बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी से मुलाकात होने वाली है हरीश रावत की। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए, रवि क्या जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? क्योंकि वो प्रभारी हैं पंजाब के, और ऐसे में एक दिन पहले ही सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, और राज्य के स्तर पर जो भी चीजें चल रही हैं, डेवलपमेंट चल रहा है जमीनी स्तर पर, उसको लेकर बातचीत हुई थी। लेकिन आज राहुल गांधी से मुलाकात करने की जो खबर आ रही है, तो उसको लेकर राहुल गांधी को भी बताएंगे कि आखिर में राज्य में कौन सा गुट और किस तरीके से उसका क्या मानना है। हालांकि बहुत सारी चीजें तो सामने आ रही है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक पहुंच रही है, लेकिन क्योंकि हरीश रावत प्रभारी है पंजाब के, तो ऐसे में प्रभारी के तौर पर तमाम चीजें वहां पर कन्विंस करना और वहां तक मैसेज पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में राहुल गांधी से मुलाकात करके पंजाब में जो सिर्फ फुटोगल चल रहा है सिद्धू और कैप्टन के बीच में, वो तमाम चीजें बातचीत करेंगे उसको लेकर। ठीक है, शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपके पास लौटते रहेंगे। तो हरीश रावत